मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सहरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया बहन की, आपने हमारी बेटी को पसंद किया। हमें भी सारे मां आप लोग बहुत अच्छे लगे। रिश्तों के मामला थोड़े नाजुक होते हैं, बेचारों को थोड़ा वक्त आप हमें दे दें। देखिए आप जितना वक्त लेना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे बारे में जो मालूमात आपको चाहिए आप जरूर लें, लेकिन हमने अपने बेटे की शादी करनी सहरिश के साथ ही। फैजान साहब, आप लोग हमारे घर आए ना, हमारे साथ खाना खाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इस बहाने आप हमारे बारे में भी जान जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सादिया सहरिश के लिए अपनी बेटी का प्रपोजल लेकर आई हो। क्यों मम्मी, क्यों नहीं यकीन आ रहा? ऐसी कौन सी कमी है आपकी बेटी में, बताएं पापा। ये बात तो है, हमारी बेटी में कमी तो कोई भी नहीं है, बस अगर आज ताबिश होता तो कितना खुश होता। हाँ ताबिश तो बस अब याद बनकर रह गया। रूमी को बताया आपने? हाँ मैंने उसे फोन किया था, बहुत खुश हो रही थी। खुश हो रही थी या जेलस? रूमी की अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले से घर आ गई हैं, लेकिन रूमी बता रही थी बहुत उन्हें वीकनेस हो रही है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ की तरफ से वो बहुत परेशान है। अच्छा किया आपने कि उसको नहीं बुलाया, उसे वहीं रहने दिया, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहता। वैसे आपने सहरिश से पूछा कि वो क्या चाहती है? पूछने की क्या जरूरत है, सहरिश का चेहरा बता रहा है ये बहुत खुश है। बोलो भाई खुश होना तुम बहुत। बोलो।